गए हैं, आपने देखा है हालातों को, खुद भी अंदर गए हैं आप। अभी पानी रिसेंट कर रहा है, लगभग 4 फुट पानी रिसेंट किया है, और कई ऐसे गांव हैं जो अभी अनटच्ड हैं, वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं एयरफोर्स की मदद लेके खाना घरों तक ड्रॉप करवाएं, जहां टार्पोलिन और इस तरह की चीजें चाहिए वो घरों तक पहुंचाएं। एयरफोर्स की मदद के साथ हेलीकॉप्टर्स भी उतारे जाएंगे। बिल्कुल, आर्मी अपना काम कर रही है, NDRF SDRF अपना काम कर रही है, स्टेट का सारा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, मगर जिन गाँव में अभी भी क्योंकि फ्लो ऊपर से आ रहा है पानी का, मोबिलिटी नहीं हो पा रही, वहाँ पर एयरफोर्स की मदद से खाना हम ड्रॉप करवाएंगे, कोई इवैक्यूएशन है तो इवैक्यूएशन। गांव के लोगों ने भी कुछ डिमांड रखी है मेन खाना पहुँचाने की, एट प्रेजेंट तो वही कर रहे हैं। वो वहाँ से खेरा गांव से निकल ली और जल्दी उसको हॉस्पिटल पहुँचा। ठीक है, आप गए हैं, आपने देखा है हालातों को, देखिए इस पानी रिसेंट कर रहे हैं, लगभग 4 फुट पानी रिसेंट किया है, और कई ऐसे गांव हैं जो अभी अनटच्ड हैं, वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं एयरफोर्स की मदद के बाद खाना हमारा जो टांगरी बांध के आसपास, जहां टार्पोलिन और इस तरह की चीजें चाहिए, और इसमें जो हमारी बिल्कुल आर्मी अपना काम कर रही है, NDRF SDRF अपना काम कर रही है, स्टेट का सारा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, मगर जिन गांव में अभी भी सबसे फ्लो ऊपर से आ रहा है पानी, मोबिलिटी नहीं हो पा रही, वहां पर एयरफोर्स की मदद से खाना हम ड्रॉप करवाएंगे, कोई इवैक्यूएशन है तो बच्चों को लड़कियों को रेस्क्यू किया, इसके अलावा खाना पहुंचाने की एट प्रेजेंट तो वही, जहां पर कैजुअल्टीज रिपोर्ट की गई महेश नगर के, वहां से खेरा गांव से निकल ली और जल्दी उसको वहां से इवैक्यूएट करवाया गया। आपने देखा है हालात भी अंदर गए हैं, कुछ पानी रिसेंट कर रहा है, 4 फुट पानी रिसेंट किया है, कई ऐसे गांव है जो अभी अनटच्ड है, वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं एयरफोर्स की मदद के साथ खाना ड्रॉप करवाएं, जहाँ टार्पोलिन और इस तरह की चीजें चाहिए उनको भी कल इवैक्यूएट कराया, और पूरी जो SDRF NDRF बिल्कुल आर्मी अपना काम कर रही है, NDRF SDRF अपना काम, जहाँ पे भी जलभराव है सारा एडमिनिस्ट्रेशन लगा रहे हैं, मगर जिन गांव में अभी भी क्योंकि फ्लो ऊपर से आ रहा है पानी, मोबिलिटी नहीं हो पा रही, वहां पर एयरफोर्स की मदद से खाना हम ड्रॉप करवाएंगे, कोई इवैक्यूएशन की कनेक्टिविटी का इश्यूज थे वो भी लगभग अब काफी हद तक रिजॉल्व हो गए, खाना पहुंचाने की नेशनल हाईवे 152 को छोड़ के लगभग सारी मेन रोड वहां से खेरा गांव से निकल ली और जल्दी उसको काम कर रहे हैं।